इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं निकल रही है अभी बट वी आर ट्राइंग इसके पास घर की चाबी होगी इसकी ना जेब में से मुझे फटाफट से चाबी निकालनी पड़ेगी देन अंदर जाकर देखते हैं हम बॉडी आराम से चल चल नहीं सकता आराम से तू यहाँ पर भी बंदे मारा के वो अंदर तक घुसा था ओ माय गॉड इसने ये क्या कर दिया है इतने सारे बंदे मार दिए हमारे मुझे नहीं पता तुम तो मुझे ढूंढ के दोगे उस बंदे का मैं उसको नहीं छोडूंगा फटाफट से लिबर्टी सिटी से फोर्स को बुलाओ हे गाइस कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी का स्वागत है एक और नई GTA 5 की वीडियो में तो गाइस आज हम दोबारा से आ चुके हैं माइकल के साथ एंड गाइस आप सभी को ना रीकैप के बारे में जरूर बता देता हूं ठीक है रीकैप गाइस ये है कि कैसे आप सभी को पता ही होगा लास्ट वीडियो में ना हमारे लास्ट टू लास्ट वीडियो के एंड में गाइज हमारे शोरूम पर गायज लॉस्ट एम के बंदों ने ना गैस हमला कर दिया दे था देन गाइज आप सभी को पता वहीं पर हमारा एंड हो गया था वीडियो का देन गायज अभी नेक्स्ट जो लास्ट एपिसोड था ठीक है उस वीडियो में गाइज हमने हेल्प मांगी थी मिलिट्री कर्नल से एंड पुलिस कमिश्नर से एज कोर्ट कैप्टन ठीक है तो गैस हमने उससे हेल्प मांगी एंड यार देन गैज हमारी गाइस बात वगैरह हुई उनसे वो आए और उन्होंने पता नहीं दो मिनट के अंदर ये गैस ख़त्म कर दिया सभी को सभी अब वो गैस कह रहे थे कि हम छानबीन तो करेंगे कि भाई क्या सीन है क्यों ये हमारे शोरूम पे हमला वगैरह कर रहे थे बट वो मुझे पूछ रहे थे तुम्हारे कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं बट मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं है बाकी यार यहाँ पर देखो ट्राइवर बैठ के बर्गर खा रहा है कोई दिक्कत नहीं ठीक है कोई नहीं इसको खाने दो यार हम आगे चलते हैं वीडियो के देन काइज यार आप सभी को भी पता कि हमें ना गाड़ियों की नीड थी जो हमें रॉबरी के लिए चाहिए क्योंकि हम आप सभी को भी पता है रॉबरी करने वाले हैं आज आज काइज हमारा रॉबरी वाला दिन है एंड यार मैं सही बताऊँ ना हमने वो गाड़ियाँ का स्क्रैप यार्ड से ढूंढी देन यार हमने बैनी को कहा कि इसको यार ठीक कर दे क्योंकि वहाँ पर जो स्क्रैप यार्ड पर गाड़ियाँ थी ना उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी एक तो चलने की कंडीशन में थी बट वो दस की स्पीड से कहीं से ऊपर नहीं जा रही थी बट जो एक थी ना उसके ऊपर तो भाई गाइज गोलियाँ वगैरह चबा रखी थी एंड उसके इंजन पे ऐसा चल गया था वो उसका हफ़्ता हुआ था वो कह रहा था बंदा जिससे हमने वो गाड़ी ली ना कह रहा हफ़्ता हो गया तब से इसका धुआं निकल ही जा रहा है इंजन से और इंज गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है और चल भी नहीं रही पता नहीं कैसे धुआं उसकी गाड़ी में से निकल ही जा रहा था ठीक है गाइज एंड पीछे आप सभी भी देखो एस्ट्रा का हैकिंग वाल पेपर वगैरह का टीवी के ऊपर मतलब डिफरेंट ही बहुत ज़्यादा वगैरह बाकी मेरी ना जैकेट के साथ जो मैंने वेस्ट पहन रखी है माय बैल्ड जैकेट कह दिया मैंने वेस्ट जो पहन रखी है ना उसके साथ गाइज ये ग्रीन ग्रीन सा मैच कर रहा है आप सभी भी देख सकते हो बाकी सामने गाइज आप सभी देखो लॉस सेंटोस का मैप है गाइज एंड हाँ आप सभी को ना मैं एक चीज़ बता देता हूँ ठीक देन गाइज हमने वहाँ से वो गाड़ियाँ वगैरह दी बैनी को बैनी ये, ने कहा कि वो आज के आज मतलब आज कल कहा था उसने कि कल दे देगा बिनसा आज तो गैस वो आज हमें वो गाड़ियाँ दे देगा बारह बजे से पहले वो कह रहा था कि मैं गाड़ियाँ दे दूँगा तो गायज देन गाइज अब आखिरी चीज़ बची थी जो है कि गन्स गाइज गन्स हमारी गाइज गन्स बची थी यार हमने फिर यार गन्स का ही रह रहा था देन हमने गन्स के लिए ना मिल्ट्री कर्नल को मतलब फ़ोन किया कि हमें मुझे मिलना है तो मिल सकते हो तो उसने कहा हाँ आ जाओ आ, मैं यहीं पर ही मिलूँगा दैन गाइज हमने उससे बात की एंड उसने कहा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं हमने क्योंकि उसको ये कहा कि हमें ना यार सेफ्टी के लिए चाहिए हमारे पास जो गन्स है ना वो इतनी कुछ बढ़िया नहीं है अभी जैसे कि आप सभी को पता मतलब तो आपको पता ही है कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है तो मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए अगर आप मुझे गन्स प्रोवाइड कर दो तो थोड़ी बहुत तो बहुत बढ़िया रहेगा तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं गन्स मैं आराम से प्रोवाइड करवा कर दूंगा तो यार मैंने भी कहा अच्छा बढ़िया उसने उसी टाइम कहा कि ये बॉक्स है इसको उठा के कर देते हैं हम गैस रेंज रोवर के ऊपर उसको लेकर आके बाकी यार एक चीज़ रह गई थी जो था हमारा आर्मर सूट वो गैस हमारा जो क्या कहते हैं पर्सनल बॉडी गार्ड है ना वो गाइज वो आप सभी को पता ही है लास्ट टू लास्ट वीडियो में लेने गया हुआ था और वो कल ले आया था ठीक है और मैंने मैंने से बताओ ना वो लेकर यहाँ पर भी आ चुका है जहाँ पर रेस्टोरेंट का बेस है ना वो यहाँ पर लेके आ चुका है कोई नहीं उसके पास चलते हैं अब ओके यार अब फटाफट से ना यहाँ से हम ना निकलते हैं ठीक है ठेके? बाकी पीछे अपना वो देखे कहते हैं पीछे करने वाला जो जरावर है ना गाइज़ वो ये रहा अपना फ्रेंड ठीक है फटाफट से ना मैं बता रहा हूँ यहाँ से निकलते हैं ठीक है हम यहाँ पर ना थोड़ा चाय नाश्ता करने आ रखे थे क्योंकि इधर ही है कैसे कि किचन वो आगे नहीं है किचन ठीक है एंड आप सभी को मैं गन्स भी दिखा दूंगा गन्स का गन्स अभी हमने डब्बे से निकालिए नहीं है डब्बा के अंदर ही है तो डब्बा आप सभी को दिखा देते हो तो वहीं पर पड़ा ही होगा डब्बा एंड मेरे हिसाब से ओके okay, हमारी रेंज रोवर भी कैसे यहीं पर ही खड़ी है आप सभी सामने देख सकते हो बट यार गंदी कितनी दे रखी है आप सभी भी देखो यार ये ना ट्राइवर ने चवाई थी आप सभी को भी पता है ट्राइवर कैसी गाड़ी चवाता है इसे ना यार बहुत ज़्यादा गंदी कर दी थी गाड़ी ये हम जब आए ना वही जहाँ सेंटो से इतनी गंदी गैस गाड़ी होगी ना आप सभी भी देखो शुक्र है अंदर कुछ नहीं हो कि ये गाड़ी का इंटीरियर गैस वाइट और गंदा हो जाता ना बहुत मुश्किल से कर दाग जाता बाकी यार यहाँ पर ड्राइवर ना सॉरी मांग रहा है बट चलो कोई दिक्कत नहीं यार अब इसको भी ड्राइविंग सिखा देंगे एंड वो अपना बॉक्स कहाँ गया अच्छा हाँ सॉरी माय बैड माय बैड वो तो ये पड़ा ना कैज़ ये पड़ा हमारा वो गन्स वाला बॉक्स जो कैज़ हम लेकर आए हैं मिलिट्री के बेस से आप सभी भी यहाँ पर देखो ठीक है बहुत ही बड़ा बॉक्स है पता नहीं कितनी गन्स होंगी इसमें उसने मैंने उसको कहा था तेरह बॉडी गार्ड हैं और एक उसने मेरे लिए भी दी है और एक ड्राइवर के लिए भी दे दी थी बाकी मुझे यार अच्छा नहीं लग रहा मेरी गाड़ी इतनी गंदी हो रखी है कोई दिक्कत नहीं चलो यार ऊपर चलते हैं फटाफट से ना लेस्टर को लेस्टर से बात वगैरह करते हैं एंड जो अपना पर्सनल बॉडीगार्ड है ना उससे भी मिलते हैं वो क्यों यहाँ पर आ रखा है आप सभी को मैं दिखाई देता हूँ वो क्यों आ रखा है बाकी यार देखो अपना वेस्टर तो अभी सिगरेट फूक रहा है यार स्मोकिंग अच्छी बात नहीं है यार वेस्टर ये चीज़ें मत करा कर बाकी जो अपनी आ, हैकर कर है वो तो गाइज यहाँ पर अपनी फ़ोन पर गई है अरे ये अपना पर्सनल बॉडी गार्ड पता नहीं क्या क्या देखी जा रहा है यहाँ पर चेकिंग वगैरह कर रहा है और गाइज अब मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारा पर्सनल बॉडी गार्ड क्यों आ रखा है क्योंकि गाइज़ आप सभी ये चीज़ देखो ये बैग देख रहे हो गैस इसी सबी के अंदर वो सभी के सभी सूट गज पड़े हुए हैं जो मैं और ट्राइवर पहनने वाले हैं बट अभी हम गाइज़ ये चीज़ें नहीं करने वाले अभी गाइज आप सभी को भी पता है कि जो हमने गाड़ियाँ बहनी को दे रखी की है ना यार वो लेने जाना है तो मैंने एक बार उसको कॉल करके पूछ लेता था हूं। भाई हाँ भाई गाड़ियाँ क्या कर बना तूने कहा था बारह बजे से पहले दूंगा बारह सौ तो यार अभी बज भी चुके हैं आप सभी देखो बारह बज चुके हैं यार मतलब इसने बारह बजे से पहले इसने कहा था दूंगा कॉल वगैरह कर दूंगा बट इसने कॉल एक बार भी नहीं किया तो मैंने फटाफट से ना कॉल कर करवाया था पूछता हूँ भाई क्या सीन है गाड़ी आज देगा कि नहीं देगा तो ये या गायज यार मेरी ना देखो बैनी से बात हो गई है वो कह रहा है कि तुम यहाँ पर आओ तुम्हें भी आते वक्त यार एक डेढ़ घंटा तो लग ही जाएगा और तो जब तक तुम आओ मेरा हल्का सा ना बोनट पे काम रह रहा था वो मस्टैंक पर ठीक है तो यार वो हमने करने जा रहा भाई ड्राइवर मैं तुझे आज बता देता तू नहीं आज गाड़ी चवाएगा तो गाड़ी नहीं चलाएगा मेरी गाड़ी कैसे सी मार देगा यार तू गायज यार ये ना गाड़ी कैसे सी कर देता कोई नहीं भाई गाड़ी भी इसने ऑन छोड़ रखी मैंने अभी नोटिस की है यार गाड़ी मत ऑन छोड़ा कर यार बाकी यार अपनी गाड़ी वैसे ना गंदी भी अच्छी लग रही है बट नहीं भी अच्छी लग रही है आप सभी भी देखो यार <laughs> कोई दिक्कत नहीं यार मैंने रेस्टर से बात भी करनी थी यार मैं एक तो बहनी के चाहे चक्कर में ना रेस्टर से बात करना भूल गया एक मिनट यार मैं वेस्टर से बात भी कर दूँ कि भाई हमने कब जाना और कैसे कैसे जाना तू मुझे बताइ ठीक है भाई एक बार मैं इसे पूछ भी देता हूँ भाई रेस्टर बता दे भाई कब करनी है हमने रॉबरी आज के दिन किस टाइम पर करनी है फटाफट से बता है सो राइट गाइज यार देखो मेरी ना बात हो चुकी है जैश्ट से और जैश कह रहा है कि हमें गाइज रॉबरी ना ये अपने आप ही बता देगा जब हमें हम जब हम गाड़ियाँ लेकर आएंगे बाकी यार एक तो ये ट्राइवर करना क्या चाहता है यार ट्राइवर उतर जा तू गाड़ी से फटाफट से उतर तो भाई मेरी गाड़ी क्या ऐसे कैसे कर देगा मुझे यार ये चीज़ें नहीं चाहिए ठीक है एक बार इसका एग्जॉस्ट साउंड तो सुनो एक बार ओह लेट्स गो आप सभी बिकॉज इसकी बात सुनो यार कितनी बढ़िया है बाकी यार आप सभी भी देखो इसकी गाड़ी में मतलब हम इसकी होनी हमारी गाड़ी में से इतना धुआं क्यों निकल रहा है अभी मतलब हाँ गाड़ी ठंडी थी, थी ना ठंडा माहौल हो रखा थोड़ा बहुत अंदर की साइड पर तो इसी वजह ना गाड़ी बहुत ज़्यादा ठंडी हो रखी थी अब गर्म हो रही है तो एग्जॉस्ट में से वो गर्म हो रहा था तो वो इसी वो धुआँ छोड़ रहा है यार चलो कोई दिक्कत नहीं यार हम बाहर आ चुके हैं आप सभी देखो यार बारह बज रखे हैं और इस बंदे ने यार बैनी ने कहा था कि यार ये करवा देगा यार बारह बजे से पहले बट इस बंदे ने बारह बजे से पहले कुछ नहीं करवाया यार कह रहा यार एक डेढ़ घंटे तक तुम पहुंचोगे तब तक यार ये काम डन हो जाएगा कर था कुछ बोनट पे काम रह रहा है मतलब बोनट के नट वग़ैरह करने हैं सेट और मैं अभी पता नहीं कुछ वेल्डिंग वगैरह ही कर रहा हूँ बोनट के ऊपर पता नहीं गाइस क्या करना चाहता है ये ओ हो 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 और वो बोनट भी गाइस किस चीज़ का वो अपनी जो मस्टैंग थी ना जो चलने के लाइक में भी नहीं थी गाइस क्या कहते हैं उसका गाइस बोनट था ना वो यार थोड़ा हो गया था सीन उसका बोनट तो नया मैं जो मंगवाया मतलब नया तो नहीं मंगवाया था उसने ना कहीं से ओल्ड मंगवाया बट उसमें थोड़ा क्रैक था उसने बताया तो उसको यार वेल्डिंग वगैरह करके ना फिक्स वगैरह कर रहा है तो जब तक हम पहुंचेंगे यार उसके पास ना तब तक यार क्या कहते हैं वो कह रहा था कि आ, क्या कहते हैं उसके ऊपर फुल आ, पेंटिंग वगैरह सब कुछ कर देगा क्योंकि तो वेल्डिंग वगैरह भी कह रहा था वो डन होने वाली है तो कोई दिक्कत नहीं यार फटाफट से पहुँचते हैं अपने दोस्त बैनी के पास एंड यार उससे पहले यार आप सभी को एक चीज़ बता दूँ एक चीज़ गैज़ ये है कि यार अब हमें ना रेनोवेशन करवानी पड़ेगी अपने शोरूम की बिकॉज़ गैज आप सभी को भी रेनोवेशन क्या मतलब तो कंस्ट्रक्शन का काम करवाना पड़ेगा का अपने शोरूम पर बिकॉज यार जब से वो अटैक हुआ ना उन्होंने मिसाइलें मारी अंदर गाड़ियां सब फोड़ दी और अंदर का भी गैज़ अंजर पंजर हो गया था इसी जगह गैज़ हमें ना यार रेनोवेशन करवानी पड़ेगी उसमें तो सारा कुछ काम करवाना पड़ेगा का, ठीक करवाना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं हम यार उन बंदों से भी बात करेंगे जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं एंड फिर उससे यार गाड़ी ठीक करवाएंगे कोई दिक्कत कर नहीं फटाफट से यार यहाँ से हम निकल के ना अब पहुँचते हैं अपने बैनी के पास और राइट गाइज हम पहुँचने ही वाले हैं बैनी के गाइस शोरूम की तरफ यार यहाँ से कुछ जाए नहीं वो उसी साइड पर आप सभी वहाँ पर देख सकते हो यार मैं न एक सेकेंड यहाँ से राइट टर्न कर देता हूँ एंड यार गाड़ी अपनी ना मज़ा नहीं आ रहा मैं सोच रहा था यार धुलवा दूंगा बीच रास्ते में बट मैंने सोचा यार लेट हो जाएंगे आज धुलवाने का कई टाइम नहीं है हमारे पास ठीक है इसीलिए बट वो एक सेकेंड शुक्र है भाई इस खंभे में नहीं ठुकी बट एक खंभा खम्भा बिना कुछ गलत ही जगह पर है बाकी एक सेकंड हम पहुंच तो चुके हैं पा यार मैं अपनी गाड़ी को ना इधर ही खड़ा कर देता हूं ओके ऑलराइट चलो यार अभी देखो ड्राइवर भी अपना ये रहा और एक सेकंड

पर्पज पर्पज पर पर में जो भी ये है ना एवरी सी ये तो पहले से ही थी बट ये जो नीचे का इसने कर दिया ना ये बढ़िया कर रहा है मैं सही बताऊँ लुक्स इसकी बढ़िया लग रही हो और पीछे एक सेकेंड नंबर प्लेट ओके गाइस इसको मैंने ये कह दिया था कि नंबर प्लेट नहीं होनी चाहिए इसकी और नंबर प्लेट है भी नहीं आप सभी देख सकते हो ठीक है नंबर प्लेट आई मीन है तो सही बट उसके ऊपर कुछ देखा नहीं हुआ खा ये नंबर प्लेट अब बाकी स्टार्ट करिए इसकी आवाज़ ही नहीं आ रही एक सेकेंड एक सेकंड उतरे उतरे उतरी हो गाड़ी से उतरी हो इसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही बहुत साइलेंट आवाज है इसकी साइलेंट है एक सेकंड क्या हाइब्रिड तो नहीं है गाड़ी ये एक सेकंड ओके और ये हाइब्रिड गाड़ी है इस जगह इसकी आवाज़ नहीं आ रही थी अब मैंने वाला मोड इसका ना बंद किया तो होगा इसे जाकर अपना क्या कहते हैं इसकी आवाज़ वगैरह मैं भी इसीलिए सोचू इसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही बाकी चेक तो कर रही रुक जा एक मिनट क्या कह वो ट्राइवर कहाँ गया इधर आना मैं नहीं चेक कर रहा यार ट्राइवर तो ही जाके चेक कर मैं जब तक बहनी से बात करता हूँ ओ भाई ये किसी और की गाड़ी पता नहीं की कहाँ निकल रहा है ओ भाई ट्राइवर ओ ये चीज़ें मत कर भाई ट्राइवर किसी की गाड़ी है जाके खड़ी कर दे अरे इसको गाड़ी गैस गा, इस पसंद आ गई बाकी गाड़ी यार अच्छी है यार तू तो जाके ना वो जी टी आर को चेक कर कैसी है बाकी गाड़ी अच्छी है यार सही बताऊँ मैं लुक्स इसकी अच्छी टायर्स रिम्स देखो लॉयिज इसके ओ माय गॉड बाकी बाकीवरी भी अच्छी है और यार वो लेकर निकल गया गाड़ी को बाकी ठोक ठोक ना दे और ये गाड़ी तो मुझे उस दिन बड़ी पसंद आई थी अभी भी खड़ी है पता नहीं मेरे हिसाब से किसी वर्कर की ना हो इसी जगह जी ये गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं ये इस गाड़ी पर तो उस दिन भी वक्त चल रहा था बाकी इस गाड़ी पे शायद अलॉय अलॉयी इसका जो ये रिम मतलब है इनके पता नहीं इस पर भी कुछ वर्क चल रहा हो कोई दिक्कत नहीं अपना जब तक कुछ चेक कर रहा है ना मैं तब से बैरिश आके बात कर रहा तो एक सेकंड तो बोनेट तो मेरे हिसाब से इसने डन कर दिया बाकी ये स्क्रूज को शायद मतलब फ़िक्स कर रहा है उससे वेल्डिंग करके पूरा पिघदा करना एक ही जगह मतलब ब्लॉक कर रहा है अब पता नहीं क्यों कर रहा है ये इससे मैं ही कर देता हूँ फटाफट से और राइट गाइज मेरी ना देखो बैनी से बात हो चुकी है एंड बैनी भी कह रहा है कि तुम्हारी गाड़ी डन है और यार आप सभी भी देखो ये गाड़ी कहाँ हम ऑरेंज कवर में लेकर आए थे और अब इसका कलर देखो इसने लुक्स वगैरह भी चेंज कर दी रेड इंटीरियर रेड प्लस वाइट इंटीरियर है और रेड कवर के इसके वो साइड मिरर्स हैं और थोड़ी सी इसके ऊपर जैसे मटैलिक रेड दे रखा वाइट कवर के ऊपर मतलब सॉरी वाइट कवर ये ब्लैक कवर की जो स्ट्रिप्स लगी हुई है ना इसके ऊपर अब दूर जाऊंगा तो ब्लैक का पास जाऊंगा ना थोड़ा सा जब शाइन पड़ेगी इसके ऊपर तब देखो रेड हो जाता है आप सभी भी देखो बढ़िया बना दी है सही है मतलब शाइनिंग रेड दे दिया इसके ऊपर मेटैलिक पेंट वाइट कवर के भी ऊपर दे दिया ये देखो वाइट व्हाइट वाइट कवर के भी ऊपर दे दिया इसने ओके और एडवाइस बढ़िया है बढ़िया गाड़ी डन तो हो चुकी है बाकी कह रहा था मैं स्क्रूज वगैरह को यहाँ पे डन कर रहा था और यार सही बताऊँ ना गाड़ी में सब टिप टॉप कर दिया और इसके अलॉय व्हील्स भी गज मतलब जो थे ना वो टूट गए थे वो ये कह रहा था तो इसीलिए ना इसके पास जो पड़े थे अभी स्टॉक में तो इसने वो डाल दिए इस गाड़ी के लिए बाकी यार अच्छे लग रहे हैं यार ये अलॉय व्हील्स भी यार अब मैं वो एक सेकेंड एक सेकेंड ये क्या कर रहा है बाहर ओ भाई ओ यार ये कैसे करना क्या चाह रहा।, रहा।, रहा, रहा है इसने देख लिया अंदर चल अंदर चल अंदर यहाँ पे साइड में गाड़ी खड़ी कर दे वहां पे नहीं मत खड़ी करियो वहाँ पे अब नीड नहीं है कोई करना क्या चाहता है मैं पूछता हूँ क्या सीन है क्या है एक सेकेंड तेरी तो तेरी तो है एक गाड़ी कैसे ख़राब करना चाहता है पहले और तेरी ये भी मार रहा है ड्राइवर ज्यादा गुस्से वाला ओ तेरी नहीं नहीं नहीं, नहीं कैसे इससे मेरे पंगा नहीं है ना ठीक है मैं ना यहाँ से निकल जाता हूँ और रहने नहीं नहीं, नहीं 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 भाई मुझे साथ बढ़ना नहीं है आजा छोड़ रहने रह दे मैंने से बात कर लेते हैं फटाफट से गैसा यार बैनी को मैं कहता हूँ कि भाई बता अब इस गाड़ी का सीन अब डन है तो हम लेके इसको अब निकलते हैं क्योंकि यार आज हमने फटाफट से ना वो काम भी करना है इसको मैंने पता है नहीं सही बताऊँ मैं रॉबरी करने वाला हूँ बैनी को मैंने बता नहीं रखा इस बारे में अगर आप सभी को ना पता हो तो मैं पहले ही बता दूँ बहनी को इस बारे में गैज बिल्कुल भी नहीं पता है कि हम गैज रॉबरी करने वाले हैं ठीक है तो चलो कोई दिक्कत नहीं अब यार मैं इसको पूछता हूँ कि भाई फटाफट से ना इसका बोनेट बोनट ना बंद कर दे एंड बता दे कुछ इशू है कि या नहीं है फिर हम गाड़ी को लेकर निकलते हैं ऑल राइट गाइज अभी इसने कहा कि तुम गाड़ी को लेकर निकल सकते हो ट्राइवर यार जरा गाड़ी को निकालियो जरा तू बाहर फिर मैं मैं चेक करूँगा इस गाड़ी को तूने वो जी चेक करी ना बाहर ज़रा निकाल दे ठीक है मैं साइड में हो जाता हूँ गाइस फटाफट से ना ये बाहर निकाल दे और एक सेकंड एक गाड़ी भी क्या हाइब्रिड है क्या यार मैं कब से हाइब्रिड होने लगी इसकी भी आवाज नहीं अच्छा अब स्टार्ट हुई है गाइस ओके okay, हाइब्रिड है ना ये ऑल राइट ओके गाइस बढ़िया तो लग रही है यार गाड़ी बाहर जब शाइन में रोशनी में आई है ना आइए जरा गाड़ी में बैठिया साथ में आ जा साथ में आ जा ड्राइवर गाड़ी में आ राइट। ओके ओके ये क्या कर रही है अच्छा गाइज एक सेकंड। इसमें कुछ और हाइड्रोलिक्स वाला सीन भी है रुक जा, रुक जा रुक जाओ पहले तो मैं भगा के देख दू फटाफट से ना और राइट गाइज देखो फुल भाग रही है कश दोस्तों तो ऑलमोस्ट पहुँच ही गई थी ये वो भाई इसका थोड़ा ब्रेकिंग का सीन है ब्रेकिंग इसकी अच्छी नहीं है थोड़ी कोई दिक्कत नहीं मैनेज कर लेंगे यार इतना तो यार अब देखो हमें एक दिन के अंदर अंदर, अंदर उस बंदे ने कई गाड़ी का भाई काम करके दे दिया पूरी रात वो कर रहा है मैं सही बताऊँ पूरी रात वह करो एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड ये क्या टिड्डी सी कड़ी यहाँ पे किसी ने खड़ी कर दी है ये देखो और का पता नहीं यार यहाँ पे किसने गाड़ी खड़ी खड़ी कर दी ये टिड्डी जी गाड़ी इस कंटेनर के टिड्डा सा कंटेनर है गाइस ओके गाड़ी का सही है यहाँ पर थोड़ी भगा के मतलब भगा के ग ड्रिफ्ट मार के देखूँ क्या ये थोड़ा खजा एरिया भी ओह राइट ओके ऑल राइट ऑल राइट बस देखो गाड़ी तो गाइस तो मैं सही बता रहा हूँ ना मस्त है मैं सही बता रहा हूँ बाकी एक सेकेंड वो ट्राई करता हूँ जो वो हो रहा था ना अभी पता नहीं हाइड्रोलिक्स का यार मैं ज़्यादा उठाऊंगा ना पीछे से घिस जाएगी मैं ना थोड़ा से उठा के दिखा रहा हूँ आप सभी को देखो वाह नहीं 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 घसानी नहीं है नीचे नीचे भी पीछे भी घिस जाती शुक्र है अभी ज़्यादा नहीं मैंने की चलो तो कोई दिक्कत नहीं और रहे और रे मस्टैंग घूम गई भाई ओहो मैंने देखी नहीं ये रोब्स के ऊपर मैंने चढ़ा दी थी अभी गाड़ी कोई दिक्कत नहीं अब यार यहाँ से ना मुझे रास्ता देखना है। वो बैनी के वर्कशॉप की तरफ कौन सा जाता है ओके ये वगा ही जाता है यार इस गाड़ी का थोड़ा ड्रिफ्टिंग का सीन है कोई दिक्कत नहीं यार इसका हैंडजेक वगैरह इतनी कुछ खास ही नहीं है इस गाड़ी की बट हमें यार थोड़ा मैनेज तो कैसे करना ही पड़ेगा देखना पड़ेगा कि जैसे भी होगा ठीक है बाकी ट्राइवर से पूछ लेता हूँ कि वो कौन सी गाड़ी चलाना चाहता है रॉबरी के टाइम पर ये वाली या वो जी टी आर कोई दिक्कत नहीं यार अपना फटाफट से ना मैं उसको कह देता हूँ कि बैनी कहाँ गया अरे बैनी अच्छा बैनी वहीं पे खड़ा हुआ वो गाइस वो उसके पीछे था तो अब ये गाड़ी को इस गाड़ी को देख रहा है इसे ग्रीन वाजी को यार बैनी मेरी बात सुने यार अब मुझे उसकी पेमेंट बता दे उसकी पेमेंट क्या है तू बाद में दे सकता है या नहीं यार तुझे अभी दूँ मैं इसकी पेमेंट क्योंकि यार रेंज रोवर की ना अभी बाद में देने वाला सीन चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं इससे एक बार ना इससे मैं पूछ भीता हूँ तो बाकी यार ट्राइवर गन अपनी अंदर रखो यार इसको ड्राई यो मत घन से और राइट गाइज मेरी ना देखो बैनी से बात भी हो चुकी है बैनी कह रहा है कोई दिक्कत नहीं यार जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब दे देना क्योंकि यार इसने कहा कि तुम्हारे रेंज रोवर की भी दे रहे हैं और ट्रैवलर कह रहा है कि यार वो ये जी टी आर से बहेगा बट यार एक सेकेंड एक सीन हो गया इस एक सीन हो गया इस हमारे से एक गलती हो चुकी है यार हमें अभी ये रेंज रोवर की भी नीड है तो हम क्या करते हैं ना नाइट मैंने एक बार बहनी को कह देता हूँ कि भाई मैं ना अभी आता हूँ दो मिनट में मैं दो मिनट में दो नहीं आधे घंटे में फटाफट से आता हूँ इस गाड़ी को गए हमें रख के भी आना यार बैनी यार तू ना थोड़ी देर इस गाड़ी को रख यहाँ पर मैं आता हूँ यार रेंजर तू रेंजर ओवर मच चवा मत चवा भाई मत चवा हाथ जोड़ता हूँ तेरे तू मत चवा तू भाई काम कर देता गाड़ी में फटाफट से गाड़ी में बैठे एक मिनट जल्दी बैठ जल्दी बैठ गए इसको मैं फटाफट से बिठा देता हूँ गाड़ी में यार अब मैं बताऊँ यहाँ पर कांड क्या हो गया गए सीन ये हुआ है कि यार ये गाड़ी को तो गैस हमने लेकर ही नहीं जाना है ना तो अगर इस गाड़ी को हम यहाँ पर छोड़ देंगे ना तो सीन हो जाएगा क्योंकि ये गाड़ी में न हमने मैं सही बताऊँ ये गाड़ी में हमने ना अपना ही दिक्कत कहते हैं फ्रेंड्स जो हैं जैस्टर और जो हमारी हैकर है उस उस इस गाड़ी में बिठा कर लेकर आना है ठीक है और यार सही बताऊँ वो मैं बता दूंगा गाइस सही बताऊँ तो कि कियों लेकर आना है वो रीज़न भी बता दूँगा बाकी और ट्रैफिक इतना है ना मुझे गाड़ी यहाँ से निकालने चलो यार यहाँ से निकल के अब ना फटाफट से फुल तेज भगा करना गाड़ी उस लोकेशन पर जाता हूँ जहाँ पर हमने ये गाड़ी खड़ी करनी है ठीक है और आराम से यहाँ से निकाल के निकलते हैं चलो फटाफट से पहुँचते हैं वहाँ पर ओह राइट गाइस देखो हम पहुँच नहीं वाले उस लोकेशन की तरफ जहाँ पर मैंने इस गाड़ी को छोड़ना है और यार मुझे याद नहीं आ रही कि वो लोकेशन किस साइड थी यार देखनी पड़ेगी हमें वो लोकेशन मुझे जो बताई थी रेस्टर ने मेरे हिसाब से इधर किधर ही है शायद जो मुझे लगता है इधर है किधर है और राइट गैस मुझे पता लग गया वो लोकेशन कहाँ पर है वो लोकेशन है गैस यहाँ पर एक सेकंड एक सेकंड और राइट गैस वो लोकेशन है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर मुझे रेस्टर ने कहा था गाड़ी खड़ी करने को भाई आ जा ट्राइवर फटाफट से गाड़ी को वहीं पर छोड़ के ठीक है अब यार हमें पता क्या करना पड़ेगा एक सेकंड नीचे वाली साइड को जाते हैं ये रोड वाली साइड को नहीं जाना हमने mm. मुझे यहाँ से ना एक गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी एक सेकंड यहाँ पर कोई गाड़ी है इस पार्किंग रोड में एक गाड़ी नहीं है अरे यार इस पार्किंग रोड पर तो कैसे एक भी गाड़ी नहीं है हमें तो यार देखना पड़ेगा मेरे पास तो अभी वेपन्स भी नहीं है मैंने वेपन सारे छोड़ रखे हैं भाई तो एक मिनट इधर आ इधर आ हाँ भाई ड्राइवर इससे गाड़ी जियो जी हाँ जी फटाफट से ना रुको हम भी गाड़ी में बैठते हैं चलिए फटाफट से बहनी की तरफ ले गाड़ी घुमा लीजिए गाड़ी घुमाए यहाँ से यहाँ से यू टर्न ले, ले अब फटाफट से ना खाई हमें बहनी के पास जाना पड़ेगा जो हमने काम करना था ना वो हमने कर दिया है अब मैं बाद में बताऊँगा हमने मैं यहाँ पर गाड़ी क्यों खड़ी की है तो जब तक आपको पता करना मतलब जब तक मैं बताऊँगा ना तब तक यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब क्योंकि यार आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ तो यार इसलिए यार ज़रूरी है यार कर दो यार प्लीज यार और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यहाँ तक का पार्ट कितना अच्छा लगा ठीक है एंड यार अब फटाफट से न चलते हैं यार बहनी के पास एंड यार फिर वो गाड़ियाँ उठा कर वापिस आएँगे हम यहाँ पर ही ओ राइट right, गाइस देखो हम पहुँचने ही वाले हैं आ, अपने बहनी के वर्कशॉप की तरफ एंड यार इस पर हम दूसरे रास्ते से आए हमने सोचा ये वाला रास्ता पकड़ के देखते हैं यहाँ से मुड़ना है पीछे से पीछे 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 यार एक तो नहीं ये ट्राइवर गाड़ी जब भी चबा था ओ भाई लड़ने को आ गया है ओए ट्रेवर ओ शिट बस ट्रेवर ने गोलियाँ चबा दी और यहाँ पर वो मतलब वो ट्रक वाला कैसे वो ट्रेवर की गाड़ी को घसीटता देखे और वो जो बंदा था जो लड़ने आया था उसको ट्रेवर ने गोली मार दी साथ में गाड़ी के नीचे भी आ गया वो पिचक गया वो देखो हो भाई अभी मत पागे डा यार पुलिस वाले जो बंदा है ना गाइस कमिश्नर उससे भी खाई गाईस दोस्ती गाइस हमें रखनी है तो कोई दिक्कत नहीं हम पहुंच ही गए हैं आप सब यार ये रहा भाई यार कितनी तेज गाड़ी चलाता है यार ये कोई दिक्कत नहीं यहीं पे यहीं पे खड़ी कर दे अंदर मत लेके बेकार से गाड़ी ये को पीछे साइड में खड़ी कर दी हो मैं जब तक अंदर जा रहा हूँ हाँ तो उतरने भी नहीं देता कहीं ये बंदा तू जा यार गाड़ी को खड़ी कर अब फटाफट से ना हम अंदर जाते हैं हमारी गाड़ी कहाँ पे खड़ी और राइट कैसे ये खड़ी है, हमारी गाड़ियाँ ठीक है अब फटाफट से ना मैं तो यार देखो उस, उसने तो यही कहा कि उसने जी टी आर चलाएगा अब मैं ये गाड़ी लेकर निकलता हूँ बाकी बहनी को भी यहाँ से बोल देता हूँ चल बहनी मिलते हैं हम बाद में ठीक है मैं फटाफट से ना ओके आराम से आराम से आराम से चल अरे भाई ये ड्रिफ्ट बहुत मारती है मुझे यहाँ से हम निकलना पड़ेगा कहाँ है वो वो आ गया आ गया गाइस ज़्यादा वेट नहीं होना क्योंकि हमें यार उसने कहा था कि दोपहर तक हमें स्टार्ट करनी है रॉबरी तो यार इस इन गाड़ियों को लेकर ना हम वहीं पर जाने वाले हैं जहाँ पर आ, क्या कहते हैं अपने हमने रेंज रोवर खड़ी कर रखी है ठीक है क्योंकि हमने रेंज रोवर को लेकर फिर देन दैनगइज हमने जाना है क्या कहते हैं हमने एस्ट्रा के बंकर के सॉरी रेस्ट्रा का जो आ, वो है कौन सा बेस है यार ये रेस्ट्रा के पास जो भी बेस है का वहाँ पर हम जाएंगे फटाफट से यार जो भी उसका हैकिंग वगैरह बेस वगैरह है ना वहीं पर जाएंगे हाइड आउट एंड यहाँ से ऑलवर्ड क्या गंदा कट मारा हमने बस बच 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 इतना कुछ नहीं हुआ सामने देखो इतना कुछ नहीं हुआ चलो कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं इतना कुछ हुआ नहीं है हम आराम से हम निकल जाएंगे कोई नहीं इसकी बिल्डिंग क्वालिटी अच्छी है यार जब बैन ही काम करता है ना इस गाड़ी के ऊपर तो इस बिल्ड क्वालिटी अपने आप ही अच्छी हो जाती है यार अपना वो वो कहाँ गया अपना ट्राइवर गाड़ी को इतनी देर प... अच्छा वो जा रहा है सामने आप सभी भी देखो भगाता ही जा रहा है इस गाड़ी को आप सभी भी चेक करो अरे तेरी मैं भी भगाऊंगा रुक जाओ गाड़ी देखो एक सेकेंड मेरे से तेज जाएगा मेरे से तेज जाएगा और बस ऐसा कुछ नहीं करना कि हमारी गाड़ियाँ ठुक जाए बाकी वो देखो हमारी रेस चल रही है बस मेरी और ट्राइवर की और यार ट्राइवर पीछे रह चुका है ओह आराम से आराम से आराम से यहाँ पे आराम से यहाँ पे आराम से यहाँ पे ना हमें आराम से ना ये बात हाईवे पकड़ गए फटाफट से और ट्राइवर पीछे रह चुका है यार मैं फिर बादशाह भी तो यार रेस करने का चलो कोई दिक्कत नहीं अब यार फटाफट से ना हम यहाँ से ऊपर देते हैं गाड़ी को क्योंकि हमने ज़्यादा आगे नहीं जाना ये रास्ता दूसरी साइड चल जाएगा हमने यहाँ से लेना लेफ्ट अरे यार अरे 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 अरे, अरे। ज़्यादा तेज कट वे लगता है मैंने बाकी अपना वो कहाँ गया ड्राइवर कहाँ रह गया अच्छा गया आ गया बस पीछे ही है वो देखो ड्राइवर अपना पीछे ही है और आराम से चार चल ठोक मत चलो मैंने भी वैसे ठोक ही दी थी कोई दिक्कत नहीं यार इतना तो चलता है जब उसने भी थोड़ी बहुत ठोक दी होगी कोई दिक्कत नहीं अब यार लेकर इधर आ जाओ ऊपर आ जा ऊपर जाना हमने इस वाले रास्ते से ठीक है तो इस ड्राइवर को मैं ड्राइवर के साथ ना मैं ब्लूटूथ के ऊपर कनेक्ट हूँ इस एंड उसको मैं समझा रहा हूँ कि कौन सा कौन से वे से आना है तो हम किधर जाना अच्छा उधर ही जाना है ड्राइवर उधर ही जाना, है। ही जाना है। हम कब जा रहे थे कोई दिक्कत नहीं पटा फट से ना हम पहुँचते अब रेस्टर के पास ओ राइट गए देखो हम यहाँ पर तो हम निकल चुके हैं और मैंने कह दिया था इस रेस्टर के पास जाना बट रेस्ट्र के पास नहीं जाना सबसे पहले तो कहीं ये गाड़ी रखनी है फिर हमने वो रेंजर को पकड़े के के पास जाना है बाकी हम पहुँचने ही वाले हैं उस लोकेशन की तरफ़ जहाँ पर हमने वो गाड़ी अपनी रेंज रोवर खड़ी की थी मैं बता दूंगा गैज़ हमने वहाँ पर क्यों खड़ी की थी तब जब हम वापस आएंगे एस्टर को लेकर उसी लोकेशन पर जहाँ पर हम ये गाड़ियाँ खड़ी करने वाले हैं वाक़ यार मुझे इतनी ये प्यारी पता नहीं क्यों लग रही है गाड़ी पसंद आ गई है और रास्ता रास्ता रास्ता, रास्ता। यही था ना वो यही था गैज़ यही थी वो अपनी पार्किंग ओके ये पार्किंग का डंडा तोड़ दिया मैंने कोई दिक्कत नहीं यहीं पे अपनी रेंज रोवर खड़ी होगी ऑफ राइट right. वैसे अपनी रेंज रोवर भी देखो यही खड़ी है आप अपनी ना गाड़ी को एक मिनट रुक जा आराम से मैं यहीं पे खड़ी कर देता हूँ हूँ ऑफ राइट आप किसी को लगेगा कि ये किसी की वो ऐसे खड़ी हुई है गाड़ी निकाल पीछे को आराम से निकालिए आराम से आराम से पीछे डब्बे में कराएँ अरे आराम से मैंने कहा डब्बे में कराए ओ भाई ये ना बहुत खतरनाक की गाड़ी चाहता कोई नहीं मैं बैठता हूँ पीछे ही बैठ जाता हूँ चल तो यार अब फटा फटाफट से ना गैस्ट्रा के बेस की तरफ चल यार वहाँ पर हमने जाना है फिर यार हमने वहाँ पर रेडी होना है फिर हम वापस आएंगे गाइस यहाँ पर ये गाड़ियाँ उठाने ओके okay, गाइस देखो हम पहुँचने ही वाले हैं देखो गैस्ट्रा के बेस की तरफ देखो यार आज ना बातें ज़्यादा हो गई हैं काम अभी इतना हुआ नहीं है ठीक है गाड़ियाँ बस लिया हमने ठीक है आराम से एक ना मैं इसी लिए इसी लिए इसी लिए मैं ड्राइवर को गाड़ी नहीं देता इसी इसीलिए मैं ड्राइवर को गाड़ी नहीं देता यार आप सभी भी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में ड्राइवर को गाड़ी चवाने को देनी चाहिए जब मैं साथ में बैठा हूँ बाकी ज़... वैसे तो यार अगर मैं दो गाड़ी चवाया तब तो देनी पड़ेगी इसको बट जब मैं साथ में एक ही गाड़ी में इसको गाड़ी में कभी नहीं धूना और अरे मेरी गाड़ी की ऐसे जी कर रहा है ये इसको चवानी नहीं आते गाँव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस गाड़ी इस बंदे को गाड़ी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए कोई दिक्कत नहीं अब फटाफट से ना ऊपर जाता हूँ आई ट मैं वेस्टर से ना बात करता हूँ कि भाई क्या सीना फटाफट से हम हम गाड़ियाँ वगैरह भी डन है तो तू बता दे कि भाई अब क्या करना है अब रेडी होके हम निकले कि नहीं निकले बता काइज यार मेरी ना देखो लेस्टर से बात हो गई वो कह रहा है फटा फटाफट से ना तुम अपने सूट्स वगैरह फटाफट से पहनो और हम भी अपने लैपटॉप वगैरह रेडी कर रहे हैं ठीक है क्योंकि ये हमारे साथ ही जाने वाले एक लोकेशन तक ठीक है फटाफट से ना हम सूट्स वगैरह यहाँ से पहन लेते हैं औ राइट गाइज आप सभी भी देखो अब हमने गाइज सूट पहन लिया है और गाइज ये ही वो गाइज अपने सूट है जो अपना पर्सनल बॉडी गार्ड गाइज लेने गया हुआ था पता नहीं कहाँ से कहा ढूंढ के लेकर आया और ऊपर से देखो फुल आर्मर्ड सूट है मतलब तो खतरनाक हो जो हेलमेट भी आर्मर्ड वगैरह वो ड्राइवर का सामने भाग के पता नहीं कहाँ जा रहा है और भाई तू गाड़ी मत चल भाई और इस बार मुझे मैंने देख ली तेरी ड्राइविंग वगैरह भी ठीक है तो यार मैं फटाफट से ना लेस्टर और अपनी जो हैकर का उसको कहता हूँ कि तो अब फटाफट से तुम भी अब चलो यार नीचे और जो अपना पर्सनल बॉडी गार्ड है ना वो यहीं पे रखवा ये करने वाला है वो देखो गाड़ी में बैठ भी गया वो फटाफट से ठोक दी ठोक दी गाय जिसने गाड़ी ठोक दी किया इसने गाड़ी ठोक ही दी तू उतर जा उतर फटाफट से उतर फटाफट से उतर है, उतर नहीं है यार मैंने फटाफट से ना गन्स ओ हाँ गन्स भी तो नहीं है ले लेता हूँ डब्बे को खोल देते हैं फटाफट से तो ओके गाइस यार देखो आप सभी हमने न यहाँ पर ये इस डब्बे में से निकाल दिया था डब्बा एक ही डब्बा निकाला दिया दो डब्बे थे इसके अंदर हमने सोचा एक ही डब्बा निकाले थे बाकी फिर हमने इसको बंद कर दिया है वापिस से एंड कुछ वेपन्स से हमने निकाल दिए हैं कुछ अभी अंदर ही हैं गाइज इसके एंड यार आप सभी देखो हमने एक ये लिया एक ये गन लिया है आप सभी देखो ठीक है ये कुछ ज़्यादा ही अलग अलग रही है गाइज अलग ही चमक रही है एक स्नाइपर भी लिया गाइज हमने ठीक है ठीक है एंड गाइज एक हमने ये रिवॉल्वर लिया है, ठीक है एक हमने ये अपनी क्या कहते हैं ये पिस्टल नॉर्मल जी है ठीक है एक गैस हमने ये नॉर्मल मतलब नॉर्मल पिस्टल है वो वाली नॉर्मल नहीं थी ये ये वाली नॉर्मल पिस्टल है विद सप्रेसर एंड टॉर्च ठीक है पाकिस्तान देन एक हमने स्टन गन भी ले ली है ठीक है वहाँ पे अगर जरूरत पड़ी एंड एक गैस हमने ले ली है ये वाली गन गज ये गन का यूज मैं आप सभी को ना वहीं पर जाकर ही दिखाऊँगा इस गन का क्या यूज़ है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं मैं आप सभी को बता ही दूंगा क्या सीन होने वाला तो फटाफट से ना चलते हैं गाड़ी के अंदर एंड आ जा यार तू भी फटाफट से एंड वो जो बैग्स थे ना क्या कहते हैं अपना जिसके अंदर हमारे के ये कपड़े थे वो बैग्स हमने ना ये लिये हैं मतलब क्या कहते हैं इसका नाम क्या है जेस्टर ने ना पीछे रख लिया बैग्स बिकॉज उसके अंदर ही तो कैसे हमने फिर वो सामान चुराना है कोई दिक्कत नहीं फटाफट से ना हम यहाँ से ना चलते हैं एक सेकंड निकल कर एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। गैस हम रेस्टर और अपनी हैकर गर्ल को क्यों लेकर जा रहे हैं मैं आप सभी को वहीं पर जाकर ही बताऊंगा। क्योंकि चलो यार वहीं पर जाकर क्या बताना अब तो यार टाइम भी हो चुका है तो मैं आप सभी को अभी ही बता ही देता हूँ कि तो हम क्यों लेकर जाने वाले हैं हैकर गर्ल को और जेस्टर को वहाँ पर बिकॉज गैस वो लोकेशन मतलब पास होगी जहाँ से हम सीसीटीवी कैमरास को और जो अंदर गए हम जब भी वो वोल्ट वगैरह खोलेंगे देंगे वहाँ पर हैकिंग करनी ज़रूरी है तो इसकी चिप्स ना उसी उसकी, रे, उसकी रेंज में होनी चाहिए जहाँ से हमने चोरी करनी है तो हम ना वहीं पर जाने वाले हैं तो आप सभी को मैं कोई दिक्कत नहीं दिखा देता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं ओके गाइस देखो अब पहुँचने ही वाजें हैं जिस लोकेशन पर हमने जाना है और वो लोकेशन है इधर ठीक है मैं इस गाड़ी को ना इस इधर ही खड़ा कर देता हूँ इस गाड़ी को मैं इधर ही खड़ा कर देता हूँ नहीं यार उतरी नहीं तू छोड़ तो गाड़ी ले करा तो गाड़ी ले करा पीछे से जहाँ पे हमने गाइस उस साइड जाना हमने उस साइड वहीं पे हमने गाड़ियाँ वगैरह ना खड़ी कर रखी हैं फटाफट से आ जाए यहाँ पर एक सेकेंड बस देखो यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ देखो ये दोनों की दोनों यहीं पर खड़ी हुई हैं इधर लगा दे कि ये अपना क्या कहते हैं एस्टर और ये जो हैकर वो भी अंदर ही लगा दे मैं तो कह रहा हूँ अंदर अंदर आ जाए इसके फटाफट से काज अब आप सभी को बताता हूँ यहाँ पर हम क्यों आए हैं ये लोकेशन है गाइज़ ये क्या कहते हैं हैकिंग के लिए ये मतलब वैस्टर की तो नहीं है बट वैस्टर की फ्रेंड आएगा वैस्टर की एक और फ्रेंड भी है ठीक है उसकी लोकेशन हुआ करती थी ठीक है तो ये अभी तो यूज़ में नहीं है ठीक है एंड वो अभी इसकी फ्रेंड भी गई हुई अपने है अपने क्या कहते हैं लिबर्टी सिटी इसी लिए गाइज़ आप सभी देखो मतलब कोई भी नहीं है यहाँ पर और यहाँ पर हम आए क्यों है ना वो मैं आप सभी को बता देता हूँ एंड सो so, आप सभी को ना मैं बता देता हूँ कि ये एक गन जो है ना हमारे पास ये भाजी ये देख रहे हो ना ये ये गन क्यों है मैं आप सभी को अभी बता भी देता हूँ ठीक है और ये देखो अभी यहाँ पर काम वगैरह स्टार्ट भी हो चुका है और ये लोग ना यहीं से करने वाले हैं ठीक है मैं बता देता हूँ यहाँ पर ना ये देखो कूड़ा तो पड़ा हुआ है बट आप सभी को पता नहीं होगा कि यहाँ पर क्या है रुक जाओ एक कूड़ा थोड़ा ना हटवा दूँ मैं एक सेकेंड थोड़ा साइड में करने दो मुझे यहाँ पर कुछ ना गाइज हमने रख रखा दो मिनट एक सेकेंड एक दो तीन ये देखो गाइज हमने और सब चीज़ फाड़ दी और ये देखो नीचे क्या है गाइज मैं सही बताऊँ ना यहाँ से हम एंट्री नहीं देने वाले अगर आप सभी को रहा हो कि यहाँ से एंट्री देंगे यहाँ से हम एंट्री नहीं देंगे यहाँ से हम, हम वापिस आएंगे ठीक है इस टनल से ये टनल सीधा कनेक्ट होती है अपने पैसिफिक बैंक के साथ जो सबसे बड़ा बैंक है लॉस सेंटोस का वापिस आ जा यार तू ड्राइवर फटाफट से वापिस आ जा हम अब पता क्या करने वाले हैं गाइज़ अभी तो हमारी जो एंट्री होने वाली है ना वो तो गाइस होने वाली है वहीं से क्या कहते हैं अपना आ, हम मेन डोर से ही एंट्री करने वाले हैं बट हम करेंगे पैदल आ जा भाई ड्राइवर बाहर आ जा मैं बाहर खड़ा हूँ एंड जो अपनी ये गाड़ी है ना ये भी गाइज़ यहीं पर खड़ी होने वाली है मैं क्या सोच रहा हूँ ना कोकी uh, गाइज़ अब एक मिनट गाड़ी को ना गाड़ी मे पर बैठी हूँ मत बैठी हूँ मत वो वजह गाड़ी ले करा तो जैसे मैं खड़ी कर रहा हूँ वैसे खड़ी कर दी हूँ ठीक है ओके और राइट एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा सा होगा सीन ओके और राइट गज़ हम गाड़ी को अंदर ही खड़ा कर देते हैं जैसे कि यहाँ पर ठीक है क्योंकि यहाँ से हम फटाफट से गाड़ी में बैठेंगे और अपना जैस्टर और जो अपनी हैकर है ना वो अपनी रेंज रोवर लेके यहाँ से निकल जाएंगे बाकी तो यहीं पे गाड़ी खड़ी कर दे ठीक है ना ये डोर क्लोज हो जाएगा आ जाए भाई तुम फटाफट से बाहर आ जा क्योंकि हमने कहीं सब एंट्री नहीं हम ना पहले ना वैसे भी यार गन्स पकड़ ही लेते हैं हाथ में तो फटाफट से ना यहाँ से हम एंट्री लेंगे मेन डोर से लेंगे ठीक है चलता हूँ यार मैं फटाफट से अंदर बाकी ट्राइवर भी देखो पीछे ही आ रहा है कोई दिक्कत नहीं हम फटा फटाफट से लेते हैं यहाँ से हम एंट्री ओके okay, गाइस यार देखो हम अंदर तो देखो यहाँ पर आ चुके हैं बाकी ट्राइवर भी गाइस आप सभी देख सकते हो पीछे ही है यार मैं क्या कर, कर रहा हूँ ना फटाफट फड़ से ना एक सेकंड मैं ना छुप छुप के जाता हूँ देखता हूँ एक सेकंड अपनी ये वजह निकाल देता हूँ और तेरी ऐसी की तैसी और तू भी गया गाइस यहाँ पर हम तो ओ एक सेकंड यार इसी ने तो यहाँ पे वारम बजा दिया और पुलिस शेट शट छट गाइस काइज यहाँ पर ये सीन हो गया मैं ना फटाफट फड़ में पुलिस के आने से पहले ना ये काम कर लूँ यहाँ पे फटाफट से ना इसको जो है ना अपने जो बैग में से सामान वगैरह निकाल के देना यहाँ पर लगा देता हूँ ठीक है कि भाई इशू ना आए यहाँ पर और फटाफट से देखो यहाँ पर काम वगैरह तो चल ही रहा है अपना और ऑल राइट गाइस यहाँ पर अपना गेट खुल चुका है ठीक है ओके अब यार देखो ट्राइवर भी अपना आ रखा है पीछे अब फटाफट से ना इसको भी यार मैं कर ही देता हूँ बाकी यार वो पीछे एक सेकंड किसने चलाया था यार वो मुझे वो देखने दो एक सेकंड एक सेकंड

मैं अपनी पिस्टल निकाल देता हूँ तेरी चल ओए तेरी यार अब अंदर वाले को ना पता गया हो क्योंकि अंदर से मुझे आवाज आ रही है अभी भी वो एक सेकंड कैसे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड यहाँ पर तो हम बाद में जाएंगे बट इसके अंदर में भी है बट इसको ना फटाफट से हम हैक कर गए थे यहाँ पर ठीक है हैक करके फिर मैं फटाफट से ना अंदर एंट्री देता हूँ ओके गाइस यार मैं यहाँ पर अभी फटाफट से ना हैक तो देखो कर ही रहा हूँ फोन के अंदर यार अब देखते हैं डोर कब कैसे ओपन होगा गाइस एक सेकंड मेरी हैकिंग तो डन होगी और ये डोर जब खुला ना एक सेकेंड अंदर से कोई बचा दी कहा क्या वो ये रहा तेरी तो तेरी 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 तेरी, तेरी, तेरी। मार दिया हमने इसको बाकी गाइस अब अब ये डोर रह रहा है यार फटाफट से न इसको भी हैक करना पड़ेगा हमें ठीक है अब देखते हैं क्या बनता है बाकी ड्राइवर पीछे हो जाए एक बार मैं हैक कर लूंगा फटाफट से इसको ओके गाइस यार यहाँ पर आप सभी देखो हमने डोर खोल दिया हैक है कर कर अभी तो गाइस यहाँ पर देखो एक सेकेंड सामान देखो अंदर कैश गोल्ड पीछे था ये डोर वगैरह तो गाइस जॉक है हमें घर क्या करना पड़ेगा ना स्टिकी बॉम्ब लगाने पड़ेंगे यहाँ पर फटाफट से ए तेरा भी गया तेरा भी गया बस इस पर भी गया उस पर भी गया ध्यान से गए ये बॉम्ब मतलब ज़्यादा धमाका ना करे कि भाई अंदर का सामान को कुछ इफेक्ट पड़ जाए ओके गाइस अब ना पीछे हम फटाफट से ना पीछे हो जाते हैं इधर आ जा ड्राइवर इधर आ जा इधर आ, आ जा अब आराम से आ जा यार ऑलराइट गाइस फटाफट से ना देखो यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट किया और एक सेकंड ये देखो कश डोर्स वगैरह यहाँ पर टूट चुके हैं आप सभी भी देखो डोर्स की क्या ही हालत हो रखी है आप सभी भी यहाँ पर चेक करो बट यार चलो जो होना था बढ़िया हो गया बाकी यहाँ पर कैश वगैरह पड़ा है देखो यार जितना हमारे बैग की कैपेसिटी है ना हमने हमने इतना टारगेट कर रखा कि हम 50 मिलियन तक तो कहीं लेकर आने ही वाले हैं ठीक है 50 मिलियन तो हम चुराएंगे फटाफट से आप देख लेते हैं एक सेकंड इस रूम में अभी मैंने एक क्या देखा डायमंड्स कैसे यहाँ पर डायमंडस भी है और एक कोई गोल्ड की कई स्टैचू वगैरह भी यहाँ पे पड़ा हुआ है कैसे डायमंड्स आने वाले काम में मैं सही बता रहा हूँ डायमंड्स काम क्या फटाफट से यार इस डायमंड को उठा ले जब तक मैं ना कैश और गोल्ड देखता हूँ तो भी फिर बाद में कैश और गोल्ड जितना तेरे बैग में आएगा ना उसको उठा जाइए ये तो सूट के इसको तो हाथ में पकड़ लेंगे हम कोई दिक्कत नहीं अब फटाफट से इस कैश को मैं उठा के ना फटाफट से बैग में डाल देता हूँ अब चलो यार हमने कैश वगैरह तो वहाँ से उठा लिया तब गोल्ड उठा देता हूँ फटाफट से यार मैं ऑल राइट गाइज़ आप सभी यहाँ पर देखो हमने सूटके से एक उठाए यहाँ पे कैश का ब्रीफ के सामने सूटके से पड़ा हुआ था एक हमने कैसे डायमंड वगैरह देखो इसने उठा रहा कभी दिखा रहा है कि डायमंड चेक कर कितने बढ़िया ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं गाइज़ ये डायमंड्स वगैरह भी बाकी मैं चेक कर रहा था यहाँ पे कुछ और तो नहीं बचाना जितना हम डाल सकते हैं हमने डाल दिया अब ये जो ये अपनी ये क्या के कहते हैं कार्ड्स वगैरह के अंदर पड़ा हुआ ना ये तो कैसे हम उठा नहीं सकते क्योंकि इतना कैसे हमारे पास स्पेस नहीं है जितना हमने कैश और गोल्ड डाला था हमने दोनों ने डाल दिया और एक एक, एक ब्रीफ एक, ब्रीफ केस हमने उठा लिया यहाँ पर एक ब्रीफ केस भी पड़ा हुआ था ठीक है कैश का तो मैंने वो उठा लिया अब यार एक आखिरी चीज़ रह रही है जो का जी वाला रूम है इसको ना फटा फटाफट से ना इसको घुमा के देखता हूँ अगर ये अनलॉक होगा तो ठीक है नहीं तो हैक कर दूंगा फटाफट से एंड देखता कैसे अंदर जाके क्या होगा ऑल राइट का हमने हैक कर लिया यहाँ पर और एक सेकेंड ये क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर कैसे ये तो कुछ मेरे ये तो रोलैक्स की घड़ियाँ हैं और कुछ ज्वेलरीज वगैरह कैसे यहाँ पे पड़ी हुई हैं ओके बस यहाँ पर ज्वेलरीज वगैरह पड़ी हुई हैं रोलवैक्स की घड़ी पड़ी हुई है और कुछ डायमंड्स वगैरह पड़े हुए हैं यार देख अगर डायमंड्स वगैरह और भी रोलवेस की घड़ी अगर उस ब्रीफ कैसे में डाल सकता हूँ डाल यार मेरे पास तो स्पेस ही नहीं है यार एक बार डाल इनको मैं कोई नहीं बाहर जा रहा हूँ जब तक यार आप सभी भी देखो मतलब सामान वगैरह बढ़िया हमने चुरा दिया और हमारा टारगेट क्या था फिफ्टी मिलियन तक का और हमने चुराया पता कितने हैं पूरे के पूरे सेवेंटी फाइव मिलियन अभी वो जो की घड़ी है और वो डायमंड्स हैं उसको कैसे अभी हमने गिना नहीं है ठीक है तो अभी तक तो हमने सेवनटी फाइव मिलियन टावर कैसे हमने चुरा लिए हैं पर एक सेकंड अच्छा ये तो हमने ही किया ना बाकी ये रूम अभी रह रहा है इस रूम में भी कैसे हमें देखना पड़ेगा बट ये रूम को हैक करना पड़ेगा फटाफट से ना मैं यहाँ पर हैक कर लेता हूँ गाइज सब फटाफट देना मैं यहाँ पर हैक कर देता हूँ देखो मैंने उस साइड से सा तो गए अभी सामान वगैरह निकाल दिया अब यहाँ पे मैं हैकिंग वगैरह कर रहा हूँ वो फटाफट देना यहाँ पर ज़्यादा हैकिंग हो लगेगी एक सेकंड ए ये देखो हमें ना एक सेकंड एक हमने कर दिया दूसरा भी कर दिया तीसरा भी कर दिया अरे एक वापस से एक रह गया था हमारा ओके और राइट और यार मुश्किल हो रहा है ओके ओ राइट ये देखो अब इसको भी कर दिया हमने और इसको भी और नहीं यार रह गया था ओके ऑलराइट राइट ये आखिरी के दो रह गए लेट्स गो कोज हैक डन अपना हैक डन हो गया बाकी ट्राइवर भी ये रहा अब यार एक गेट खुल जाए फटाफट से ओफ राइट गज गेट खुल गया ओके खेई हमारा गेट खुल चुका है यहाँ पर और एक सेकेंड यहाँ पर फटाफट से ना हमें यार एक वो थर्मल वगैरह वो पेस्ट वगैरह लगाना पड़ेगा जिससे कहे जिसका लॉक वगैरह टूट जाए ठीक है जल जाए अंदर से वही अभी गज यहाँ पर देखो चल रहा है ठीक है यार ट्राइवर भी फुल रेडी ट्राइवर भी देख रहा है क्या ही होगा यहाँ पे और अंदर का सामान पड़ा हुआ और ये है और राइट गई जी रहा ठीक है फटाफट से ना मैं इसको उठा देता हूँ तो फटाफट से यार तू भी उठा जाए यार ट्राइवर आकर यहाँ पर सामान मैं ना उठा देता हूँ और फिर ट्राइवर कह रहा है नहीं नहीं यार तू ही उठा क्योंकि मेरा वहाँ पर भर चुका है क्योंकि इसने वहाँ पर गोल्ड भी आप सभी को पता उठा रखा था डायमंड्स वगैरह भी उठा रखे हैं कोई दिक्कत नहीं अपना फटाफट से ना सारे पैसे मैं उठा दे जितना आ सकता है मेरे बैग में मैं फटाफट से ना उतना डाल देता हूँ अभी देखो मैंने ये पूरी ये जो काट है ना इसको ख़त्म तो कर दिया है इस ट्रॉजी को अब दूसरी ट्रॉजी पर जाता हूँ अब जितने ये डल सकते हैं ना मैं फटाफट से ना इसको भी टाल देता हूँ फटाफट से लेट्स गो ओ राइट गज को, को गैज अब इसको भी मैं टाल रहा हूँ सामान को जल्दी जल्दी ना मैं टाल देता हूँ पैसों को ओके गाइस यार अब देखो और मच हमने टाल दिया जितना हमने टालना था बाकी अपना ट्रैवल भी भाई बाहर ही खड़ा हुआ है यार गाइस यहाँ पर हमने देखो फुल सामान वगैरह चुरा तो लिया है ठीक है हम ना फटाफट से ना अब ये जो दीवार है ना इसको हमें फोड़ना पड़ेगा क्योंकि यही दीवार सीधा टनल से कनेक्ट होती है और एक सेकेंड ये देखो भाई पुलिस आ रही है मेरे हिसाब से आवाज आई है काइज मुझे ओके और राइट काज हमें ना ये भाई टनल से भागना पड़ेगा क्योंकि यार यही रास्ता है हमारा बचने का बाकी कोई पता नहीं ये ना सही बताऊँ ये गन बड़ी है अपनी इसमें सप्रेसर वगैरह भी है इसमें कहीं सप्रेसर नहीं है इसमें सप्रेसर नहीं बट इससे एक सेकेंड ये लाइट फुट नीरी बड़ी बर, मतलब बढ़िया वो है इसके अंदर प्लास्टिक मतलब बड़े पर फाइट्स होगी मेरे हिसाब से तो ओके गाइस अब फटाफट देना ये हमने करना है यहाँ पर हमने उतार देना है ठीक है और शीट देखा देखो यहाँ से अब एक सेकेंड यहाँ से देखो हमें यार वेस्टर ने तो गाइड वगैरह कर दिया था और वो लोग ना निकल चुके हैं यहाँ से मैं क्या करता हूँ फटाफट से मस्त में बैठता हूँ एंड यार पुलिस हमारा बाहर ही वेट कर रही होगी एक सेकेंड यार यहाँ पर ना पुलिस वगैरह खड़ी तो है एक सेकंड हो यहाँ पर पै ना इनको देख ही देते हैं जो ये करना चाहते हैं ना तेरी तेरी कश गन कितनी अच्छी है यार इनकी मिलिट्री वालों की सीधा हेड पे जा रहा हूँ गन कितनी ज्यादा अच्छी है यार इनकी तेरी रुक जा ये पुलिस का ना थोड़ा ये खत्म करूँ ये पीछे ना आए मेरे चल तेरी एक सेकंड यहाँ पे भी है और वॉल्ट वाली टीम भी आ चुकी है यहाँ पर तेरी ओहो पेड़ के पीछे छुपता है इस पेड़ के पीछे छुप रहा है ये तेरी तो भी उधर एक तो यार प्लेन वाला जो हुआ है ये बंदा तंग कर रहा है थोड़ा हमें देखना पड़ेगा फटाफट से ओहो एक मिनट तेरी तो तेरी रुक रुक रुक, रुक। पीछे से भी बंदे आ रहे हैं भाई ये देखो पीछे से भी एंट्री हो चुकी है इनकी ओहो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल ना हो जाए काम मैं क्या करता हूँ ना और फटाफट से यार ट्रैल और मेरी गाड़ी कहाँ गई मेरी गाड़ी कहाँ है एक सेकेंड बैस मेरी गाड़ी कहाँ गई मुझे मेरी गाड़ी नहीं दिख रही अरे मेरी गाड़ी कहाँ गई गई तो शिट गाइस मेरी गाड़ी कहाँ अच्छा वो रही वो नीचे पड़ी हुई है वो वहाँ पर कैसे पहुँच गई एक सेकंड बैसे वो गाड़ी एक तू चल 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 जा ड्राइवर निकल तू तू कहीं जो रास्ता पकड़ना तू निकल कर निकल मेरी गाड़ी गाइस वहाँ पर कैसे पहुँच गई मुझे ये नहीं समझ आया मेरी गाड़ी गई मेरे हिसाब से ना कोई लेकर गया यहाँ तक पता नहीं गाइस इस यहाँ पर कौन ले गया इस गाड़ी को तो गाड़ी अभी ऑन भी है कोई है नहीं अंदर यार बट ठुक गई थोड़ी सी आगे से बट कोई दिक्कत नहीं मैं ना गाड़ी को लेकर निकल देता हूँ चल तेरी फटाफट से ना यहाँ से निकलूँ मैं गाड़ी को लेकर और भाई ड्रिफ्ट ज़रा बहुत मतलब आई I मीन mean बहुत ज़्यादा खा रही है और ड्राइवर ना यहाँ से निकल चुका है और तू कौन है यार बीच रास्ते में क्यों आ रही है यहाँ पर मैं ना यार यहाँ से निकलता हूँ बाकी आप सभी ने भी देखा कि यार वो पीछे पड़ चुका है यार मतलब पीछे पड़ चुके हैं हमारे पूरे सवाले भाई मुझे इशू नहीं चाहिए और ये देखो स्वाट वाली टीम तक हमारे पीछे आ रखी है वो हम करें तो करें के यहाँ पे एक सेकेंड और तेरी ओ यार एक तो मैंने जा ये देता हूँ पिस्टल अरे मेरी पिस्टल कहाँ मुझे पिस्टल चाहिए हाँ आ जा इतनी बात है ना चल तो दो दोनों को एक एक हेड दिया हो गया काम इनका ये चल तेरी ओके दही, मैंने इनके चार बंदे उड़ा दिए बस एक जगह पे खड़े खड़े शुक्र मैंने बस आर्मर सूट पहन रखा है इसी इसी जगह मैं आर्मर सूट चाहता था कि गैस मुझे आर्मर सूट मिल जाए और शुक्र है कि हमने आर्मर सूट का जुगाड़ भी कर लिया और ये मैंने पुलिस वाला नहीं देखा कि यहाँ पर पुलिस वाला भी खड़ा हुआ है ओ हो 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 मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा कहीं ना कहीं जो तो मुझे जाना पड़ेगा यार एक तो यार ट्राइवर पता नहीं कहाँ रह गया मैं सोच रहा था हम दो, दोनों इकट्ठे जाएंगे मतलब देखते हैं यार क्या जो भी बनेगा ना मैं एक बार ना फटाफट से ना कॉल करके देखता हूँ कि ड्राइवर तो फटाफट से बता कहाँ पर है तेरी करंट लोकेशन फिर मैं वहीं पर आता हूँ तेरे पास गाइज ओके ऑल राइट यार मेरी ना यहाँ पर क्या कहते हैं बात हो गई थी ड्राइवर से और ड्राइवर ने ये वाली लोकेशन दी इधर किधर ही है वो और ड्राइवर तो क्या कर रहा है यहाँ पर यार ये एक तो ना ये पता नहीं कौन सी गन ले आता है और एक सेकंड चल तेरी चलते ए ऐसे ऐसी कि तैसे यहाँ से अपना फटाफट से मैंने क्योंकि ट्राइवर के इधर गया अच्छा ड्राइवर पीछे वाली साइड निकल चुका है कोई दिक्कत नहीं हम गाड़ी को लेकर ना फटाफट से पीछे वाली साइड जाते हैं एंड तो यार देखते हैं कि भाई क्या बनता है बाकी ट्राइवर क्या करना है किस साइड जाना मुझे बता दे तेरे पीछे पीछे मैं आता हूँ फिर देखो ट्राइवर अब गाड़ी तो पका रहा है यार हमारी गाड़ी ना थोड़ी ड्रिफ्ट खाती है बट कोई इसका इतना इशू नहीं है मतलब भाग लेती है गाड़ी बट उसकी ड्राइवर की देखो कैसे भगता पकता लेके जा रहा है बट चलो तो कोई दिक्कत नहीं ओ शिट मेरे यहाँ पर गाड़ी खाड़ी गई यार देखता हूँ अब क्या बनता है यहाँ पर हमारा एक मिनट यार मैं क्या सोच रहा हूँ ना एक जगह रुक कर ना थोड़ा इनको बताते हैं कि हम क्या करना है और इधर ही रुक ड्राइवर ड्राइवर थोड़ा सा खावी जगह पे रुक खावी जगह पे आई मीन खावी जगह पे इस साइड भी मतलब इसी लोकेशन में खावी जगह पे रुक कहीं देखते हैं फिर बाकी यार यही जगह से हमने ये जी टी आर से उठाई थी मतलब लेके आए थे हम यहाँ से ही कबाड़ से और वो वो भी सोच रहा होगा ये वापस यहाँ पर क्या कर रही है जी टी और सॉरी सॉरी ट्राइवर सॉरी माय बैड माय बैड माय बैड हमने ट्राइवर को ठोक दिया यहाँ पर और एक सेकंड पूछे मैं बताऊँ रुक जा तेरी तो तेरी तो, तो भाई कैसे गिर रहा है यार ये मैं ना ये भाजी गंद देखता तो, हूँ खतरनाक भाजी एक मिनट ओ पोष वहाँ पर कुछ सीन हुआ और एक सेकेंड कौन मार रहा है तू मारेगा मारेगा ड्राइवर ध्यान से मिसाइजें मारियो नहीं तो यार सीन हो जाएगा तो उस क्या, क्या कहते हैं जो यारिसाइजें थी ना क्या कहते हैं अपना मिसाइल आप भी सोच रहे हो से ये उसी गाड़ी में भी थे गाइस गाड़ी में सॉरी जो हमारा गाइस डब्बा था घन से उसी में थे ये ड्राइवर एक मसाज मुझे भी दियो ना फटाफट से अगर मसाज मुझे पकड़ा दे तो कोई और घन सेवा एक बार ये मसाज दियो ओके गाइस यार मैंने ड्राइवर से ये मिसाइज भेज दिया बाकी मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहा है तेरी तू भी किया और रुक जो ध्यान से भाई ड्राइवर के यहाँ पे गाड़ी है चल तू क्या ठीक है और कौन है एक वो गाड़ी है ना तू भी किया ठीक है ए चल तू भी किया ठीक है और कौन है ए तू भी किया ठीक है और कौन है कौन और, 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 और? और यहाँ पर कोई यह। तो यह कोई तो नहीं है रुक जा रुक जा चल ड्राइवर निकल 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 अभी है तो सही बट यार अभी थोड़ा दूर चलते हैं नहीं तो हमारी गाड़ियाँ ना खा मतलब तो फट जाए जिस हिसाब से हम यहाँ पे बगाश्त वगैरह कर रहे हैं ना वो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पास हैं तो हम क्या करते हैं ना ड्राइवर मेरी बात सुन थोड़ा सा ना और दूर जाकर फिर इनको बताएँगे में से कैसा करना है बाकी यार आप सभी भी देखो ड्राइवर की जो गाड़ी है पता नहीं कहा कैसे भाग ही जा रही है बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रही है मेरी ड्रिफ्ट बहुत ज़्यादा खा रही है हाँ जी भाई क्या जाए हाँ जी हाँ जी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे क्या करना चाहते हैं हैं क्या करना चाहते हो आप <laughs> कैसे पता नहीं क्या करना चाहते थे राम आराम से जा रहे थे मेरे साइड में ओ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड अच्छी ड्रिफ्ट हुई अच्छी ड्रिफ्ट हुई अच्छी ड्रिफ्ट हुई अच्छी ड्रिफ्ट हुई, हुई बट यहाँ पे थोड़ा सा कांड हो गया बट कोई नहीं थोड़ी ना हमें खासी जगह और देखनी पड़ेगी और ड्राइवर आगे जाके ना एक राइट साइड को ना पहाड़ों की साइड पर रास्ता जाता है ये दे वहीं से यहीं से राइट के मुझे ओके ये वाला रास्ता मैं बता रहा हूँ वो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड ओ भाई साहब आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से ड्राइवर कहाँ गया यार ड्राइवर कहाँ गया मुझे ड्राइवर नहीं दिख रहा गाइस यहाँ पर पता नहीं कहाँ गया गाइस ड्राइवर तेरी चल चल तू भी गया तू भी गया एक सेकंड मैं भी सोची बोल जाता से ड्राइवर तो वो पहाड़ पे चढ़ा हुआ है रुक जाओ मैं भी जाता हूँ मैं भी जाता हूँ गाइस पहाड़ पे फटाफट से पहाड़ पे जाकर गाइस देखते हैं बाकी ड्रिफ्ट करता करता ना मस्त ऊपर तक तो थोड़ी चढ़ गई है हमारी गाड़ी यार ड्राइवर वाली गाड़ी अच्छी है ड्राइवर यार अब थोड़ी सी मुझे चला दे यार तेरी जी टी यार मैं सही बताऊँ तू क्या कर रहा है यहाँ पे है तू क्या कर रहा है ओ यार मेरी गाड़ी कहाँ जा रही है नहीं 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 मेरी गाड़ी घस गई घस 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 मेरी गाड़ी 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 कहा जा रही है तेरी तो तू क्या घस मेरी गाड़ी की मैंने हैंड ब्रेक नहीं लगाई थी और वो नीचे पहुँच गई अरे यार बंदे कहाँ कहाँ से यार वो तू यहाँ पे छुपा हुआ यहाँ पर छुपा हुआ रुक जा और कौन है अच्छा तू भी है तू भी है तू भी है रुक जा और कौन है अरे पूरी सवाल रुपया मिसाइल लॉन्चर किया था ना मैंने चल ये और कौन है और 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 ये वो बच गया बच गया आ, आ जाए ड्राइवर गाड़ी में बैठ तुझे मैं फिर वो मुस्टैंक पकड़ाया तो नीचे चली गई है वो गाड़ी हमारी मुस्टैंक वो पहुंच गई पता नहीं कहाँ पर घिसती घिसती अरे नहीं चलो चलो फटाफट से ना मैं इसको पहुँचा देता हूँ ये एक सेकेंड ये रही गाड़ी में बैठ जा फटाफट से जा गाड़ी में बैठ तेरी तो बहना फटाफट से अच्छा अच्छा हाँ जी भाई तेरे से ख़तरनाक तो आर्मर छूट मैंने पहन रखा है मुझसे तो कुछ हो भी नक्का मैं रुक जा रुक गया एक सेकेंड ये चल गया तू गया ठीक है तू गया ओके और कौन है ए ए, ए ए ए ए ए तेरी तेरी रुक जा रुक जा रुक जरुक जा रुक जाओ अभी तो अभी तो मज़ा आएगा यहाँ पर रुक जाओ अभी बताएंगे हम इनको गाइस कि हम भी क्या चीज़ें रुक जाओ अच्छा तू क्या करेगा हैं तू क्या कर रहा है क्या कर रहा है हेलीकॉप्टर का है हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर इधर ही है ओके और पुलिस वाले आ गए रुक 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 जा 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 रुक जा आप क्या करते हैं ना वो तो गाड़ी में बैठ फटाफट से निकल 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 ड्राइवर आराम से आराम से निकल 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 इसी साइड आ जा बस ये गाड़ी फिर भी सही चल रही है यार इसमें मज़ा आ रहा है सही बताऊँ तो बाकी यार ड्राइवर अपना पीछे ही मस्टैंग लेकर आ रहा है और एक नहीं अरे नहीं 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 तेरी ओ गाइस बैठ दिया मैंने क्या गुंदे वाला शॉट बस ये मेरा खतरनाक शॉट था रिवॉल्वर के साथ <laughs> बाकी मज़ा आया मुझे यार हम जाके साइड रहे मुझे पता नहीं वो ड्राइवर कहा उड़ गया ड्राइवर ध्यान से बस okay, ओकेशन मैंने आ कर देखा नहीं कि ये भी लोग खड़े अच्छा बैठे चलो, चलो 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 मैं यहाँ से फटाफट से ड्राइवर भी पीछे ही आ रहा है हम जा कर रहे हैं मुझे ये नहीं समझ आ रही अरे 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 एक सेकंड एक सेकंड आराम से जगह कौन सी है ओ एक सेकेंड घईस ये कहाँ जा रहे हैं हम समझ ही नहीं आ रही बाकी ट्राइवर किधर है मुझे तो ड्राइवर का ही नहीं पता ड्राइवर आपको पता नहीं कहाँ पहुंच चुका है हमें लोकेशन किस पर आ चुके हैं मुझे ये नहीं, नहीं समझ आ रही यार ये तो फिर पानी के पास आ गए यहाँ से कैसे हम निकलेंगे यहाँ पे कोई बोट बोट या जेट्स की वगैरह है अरे यार चैट्स कीस वगैरह नहीं है ध्यान से ध्यान से ड्राइवर वापस मोड़ यार हमें वापस जाना पड़ेगा इस रास्ते से चलते हैं ये कच्चे रास्ता हमने जाना पड़ेगा ये इस कच्चे रास्ते से ओके ऑफ राइट कहाँ रह गया ड्राइवर यार ड्राइवर कहाँ गया ये तो ड्राइवर को देखना पड़ेगा नहीं तो भाई अगर उससे वो गाड़ी नहीं चल पा रही तो उसको छोड़ दो तो फटाफट पट से यार मेरी गाड़ी में बैठ यार हमने क्या सोचा था कि भाग जाएंगे स्केप कर देंगे बट एक सेकेंड ड्राइवर कहाँ है ये ट्राइवर से गाड़ी नहीं चल रही गाड़ी छोड़ गाड़ी छोड़ मेरे साथ जल्दी बैठ जल्दी बैठ गाड़ी में गाड़ी में ब्रेक मार फटाफट से ब्रेक ओह ओह माय गॉड क्या जंप मारी हमने गाड़ी गाड़ी छोड़ दे ट्राइवर गाड़ी छोड़ दे बैठ गाड़ी में फटाफट से अच्छा तेरी तो कौन है यहाँ पे चल तेरी देखो आप यहाँ से नाम निकलना पड़ेगा यार देखना पड़ेगा क्या करना है यार ये ना एक तो पीछे जो पड़ के है ना हमारे अलग ही सीन है तो यार पुलिस वाले ना एक तो पीछे जो पड़ गए हमारे ये बहुत तंग कर रहे हैं अब देखना पड़ेगा इन पुलिस वालों का क्या करना है ठीक है तो यार गाइज इस वीडियो को मेरे मेरी तरफ से तो गज इतना ही है ठीक है तो मिलते हैं गाइज बाकी यार अब देखते हैं क्या करेंगे अब कैसे स्केप करना पड़ेगा इन पुलिस वालों से तो गई इस वीडियो के जगह इतना ही है तो अगर आप सभी को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड बाकी गाइज इंस्टाग्राम पर ना मुझे फॉलो कर लेना कुछ भी क्वेश्चंस होंगे आप सभी मुझे वहाँ पर पूछ सकते हो मैं हर एक बंदे को रिप्लाई करता हूँ ठीक है तो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हो ठीक है तो कुछ भी क्वेश्चन होगा कुछ भी जो अपने वीडियोज़ के रिलेटेड आपने मेरे से पूछना है कोई भी क्वेश्चन होगा ना आप मुझे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर ठीक है तो मिलते हैं गाइज नए और ब्रांड वीडियो के साथ और हाँ उससे पहले गाइज लाइक एम गज इस वीडियो का है 95 फाइव लाइक्स का तो मुझे पता ही है आप सभी गई पूरा कर ही दोगे तो मिलते हैं नए और ब्रांड वीडियो के साथ तब तक है मेरी तरफ से सी यू अगेन